बैक टू सिक्स कैरियर जॉब्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पांच अलग अलग जगह से निकले असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को डिटेल्ड में वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द जो पद है वो परमानेंट नेचर के हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल अगर पद होंगे तो मैं यहाँ पर बताऊंगा। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप चाहे किसी भी स्टेट से है आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्ड में हम यहाँ पर कवरअप करने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, तो सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट को कवरअप करने से पहले जो मैं यहाँ पर जो है आपको जो क्वालिफिकेशन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो जो है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री प्लस आपका जो नेट है, चाहे वो यूजीसी नेट हो चाहे सीएसआईआर नेट हो, आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज का भी जो है यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। अगर आप जर्नल या PWS से है तो यहाँ पर 55% अंकों के साथ पीजी आपकी होनी चाहिए। वहीं पे अगर ओबीसी कैंडिडेट है या SC ST कैंडिडेट्स है तो यहाँ पर 5% की छूट, यानी कि उनकी मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। ये मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो मान्य नहीं, मतलब मांगा नहीं जाता है। वहीं पे अगर मैं एसोसिएट प्रोफेसर की बात करूँ यहाँ पे, तो एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए जो है यहाँ पर जो मास्टर डिग्री है वो क्राइटेरिया तो रहेगा ही रहेगा। साथ में यहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी होती है, पीएचडी मैंडेटरी होती है किसके लिए? एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड बाकी जो प्रोफेसर है उसके लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें जो आपका यहाँ पर नेट है या ये चीजें हैं परसेंटेज, ये तो यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लीकेबल है। परसेंटेज का यहाँ पे भी क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो मास्टर पीएचडी है वो आपकी कंपलसरी रहेगी। साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया रहता है एक्सपीरियंस। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम से कम 8 सालों का जो है एक्सपीरियंस, टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्रोफेसर के लिए, तो कम से कम 10 सालों का टीचिंग या रिसर्च जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। तो ये सभी एडवर्टीजमेंट के लिए जो है कॉमन रहने वाला है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर अगर कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं उसी टाइम पे जो है यहाँ पर कवरअप करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट है जिसमें जो वैकेंसी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो वैकेंसी है सब्जेक्ट यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलम है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, जिसमें ग्रेड 2 में लेवल 10, लेवल 11 एंड लेवल 12 है। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में पद आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पद, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पद देख सकते हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो ये सारे पद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहते हैं उनके लिए जो आपकी जो एमटेक है, यानी कि जो मास्टर है, मास्टर डिग्री है जो इंजीनियरिंग की रहती है, वो एमटेक है या एमई है, वो आपकी जो है यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पे मांगा गया है कि जो है जो आपकी ग्रेजुएशन है, बीटेक है, एमटेक है या एमई है या पीएचडी है, वो फर्स्ट क्लास जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो डिग्री सभी डिग्री में यहाँ पे मांगा गया है। अच्छा, कहाँ से नोटिफिकेशन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर से है। 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वैकेंसी आई है। यहाँ पर अगर हम बात करें 19 अक्टूबर से आवेदन प्रारंभ हो चुका है। वैकेंसी डिटेल हमने यहाँ पर देख ली, क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री यहाँ पे जो है मांगा गया है और फर्स्ट क्लास, राइट ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें जो एक्सपीरियंस अगर आपका काउंट होगा, तो अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर पोजिशन पे जो है मोर देन 6 मंथ आपने जो है यहाँ पर आपने टीचिंग की है, तो आपका जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है काउंट होने। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, 19 नवंबर 2024 तक जो है आप ऑनलाइन माध्यम से जो है यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, जब आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके बाद जो है एक कॉपी आपको अपने पास जो है डाउनलोड करके रखनी है, और ये सारे सर्टिफिकेट, ये सारे जितने भी हैं आपको जो है यहाँ पर एकदम रेडी रेडी रखना है। यहाँ पे इन्होंने कोई हार्ड कॉपी भेजने के लिए तो कोई डेट यहाँ पर यह जो है एड्रेस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हार्ड कॉपी यहाँ पे आपको यहाँ पर भेजना है कि नहीं भेजना है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपको सैलरी है, सैलरी यहाँ पे जो है आपको, क्योंकि यहाँ पे लेवल 10 की बात हो रही है, लेवल 10 यानी कि जो है आपको 57,700 रुपये जो है आपको बेसिक सैलरी प्लस डी ए प्लस एच आर ए होता जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बेस्ड होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू के आधार पर, ठीक है। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। जो दिव्यांगजन है, फीमेल कैंडिडेट है, फैकल्टी मेंबर है NIT मणिपुर के, वो एग्जाम्पल उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अंडरग्रेड ओबीसी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 2,500 रुपये, जो कि काफ़ी जो है बड़ी फीस मानी जाती है, डेफिनेटली जो है यहाँ पर देना होगा। एंड SC ST EW जो कैंडिडेट है उनको 1,000 रुपये आवेदन शुल्क है। एंड इंडियन नेशनल अप्लाइंग फ्रॉम एब्रॉड उनके लिए जो है यहाँ पर 5,000 एप्लीकेशन फीस जो है, ठीक है।
आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 19 अक्टूबर से लेकर यहां पर 19 नवंबर तक आवेदन आपके यहाँ पर चलने वाले। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले दूसरे नोटिफिकेशन की। हमारा नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, साथ ही साथ जो है यहाँ पर एजुकेशन, एजुकेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के एप्लीकेशन है, प्री लेवल 10 7th पे कमीशन के आधार पे। यानी कि जो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी 57,700 आपका बेसिक रहेगा, प्लस डीए एचआरए एंड जो अन्य भत्ते वो यहाँ पर देंगे। ठीक है, नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टेटिक्स, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। नाउ कहाँ से ये नोटिफिकेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, 4 अक्टूबर को जारी हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें जो ऑनलाइन आवेदन है, आप यहाँ पर 10 नवंबर तक जो है आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे। आवेदन शुल्क जनरल के ₹1,000, ओबीसी एससी एसटी के 500, जो दिव्यांगजन है उनके लिए आवेदन शुल्क नहीं है, एग्जेम्प्टेड है उनको। आप समर्थ पोर्टल से भी जाकर जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, यूजीसी रेगुलेशन 2018 का जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो मैंने यहाँ पर बता दिया, उसी के अनुसार जो है यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। राइट, यहाँ पे पीएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉल लेटर है जो कॉरेस्पॉन्ड अटेंडिंग इंटरव्यू है वो जो है एलिजिबल कैंडिडेट ईमेल द्वारा या वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी के उसके जो है यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट है उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नोटिफिकेशन था। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची से। अब जब ये नोटिफिकेशन 8 जो है यहाँ पर 8 अक्टूबर को जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एंड इंफॉर्मेशन ब्रोचर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है आप जानते हैं ये जो है इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अगर देखें जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, पे लेवल 10 यहाँ पर दिया जा रहा है और ₹70,900 जो है यहाँ पर आपको जो है इसमें रखा जाएगा। पीएचडी विद फर्स्ट क्लास जो है आपको यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन मानी गई है। किस किस ब्रांच में वैकेंसी है, मैनेजमेंट, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, विद ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है मिनिमम जो है यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है फैकल्टी कोर्स इन जो IIIT अंडर 4 ईयर फ्लेक्सिबल जो फैकल्टी स्ट्रक्चर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएचडी विद फर्स्ट क्लास। तो ये जो है, फिर जो दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की है जिसमें पे लेवल आपको रखा जाएगा, पीएचडी विद फर्स्ट क्लास आपकी होनी चाहिए और जो है यहाँ पर जो आपका इंजीनियरिंग है मैनेजमेंट है साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स में जो है यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है और इसके लिए 3 सालों का जो है एक्सपीरियंस आफ्टर पीएचडी या 6 सालों का एक्सपीरियंस टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये दिया गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर, साइंस मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, मैनेजमेंट में, ये सारे जो है यहाँ पर। एज लिमिट की बात करें तो बिलो 40 ईयर्स को जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अनुसार यहाँ पर मिलेगा। प्रेस अपॉइंटमेंट बियॉन्ड द एज ऑफ 60 डिस करेंगे, 60 साल से ऊपर का अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, रिजर्वेशन वगैरह मिलने के बाद अगर होता है। नाउ कोई भी प्रोबेशन पीरियड नहीं रहेगा, चाहे वो ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 2। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, आपको इस गूगल फॉर्म में जाके जो है अपने आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आवेदन करना है 10 नवंबर तक। उसके बाद आफ्टर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको करना क्या है, जो पीडीएफ जनरेट होगी उसको डाउनलोड करना है और आपको 17 नवंबर 2024 तक इस जो ईमेल है recruitment@IIIT Ranchi है ac.in पर जाके जो है ईमेल इसमें भेज देना है। ठीक है, नाउ हार्ड कॉपी ऑफ जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो आप डाउनलोड करेंगे विद सेल्फ अटेस्ट करके जितने भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची में आपको यहाँ पर भेजना है, ये आपका पिन कोड रहेगा और ये 17 नवंबर तक आपका यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भेजनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, केवल जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके जो है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट अपने नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आया है तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट है यहाँ पे अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके साथ यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो आपका रहेगा कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है यहाँ पर वैकेंसी है। समर्थ पोर्टल के द्वारा जो है आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लॉ, मटेरियल साइंस, म्यूजिक, सोशल साइंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, तो यहाँ पे आपको दिख रही है। नाउ आपको आवेदन यहाँ पर करना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया था, एप्लीकेशन की ₹750 है, इससे फोर कैंडिडेट आंदोलन होगी या EWL SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि उनको कोई फीस नहीं देनी है। राइट, अच्छा, प्रिंट आउट आपको लेना है।
राइट। और थर्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन जो है समर पोर्टल पे जो है आपको, अच्छा जो इन्होंने बताया है प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी है, साथ ही साथ जो है 10 सालों का, मैंने बताया था 10 सालों का उसके साथ जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में जो है यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के पीएचडी मैंडेटरी, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई, 8 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये अच्छा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर 2024 तक करना है। थर्ड कॉपी आपको यहाँ पर 10 नवंबर तक आपकी ये लिफाफे पर लिखना है टू द ज्वाइंट रजिस्ट्रार रहने वाला है, राइट। तो इस टाइप से जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जो है आपका यूनिवर्सिटी में किस प्रकार होता है, यूजीसी रेगुलेशन 2018 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में कई बार डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ, ज्यादा जानकारी के लिए जो है एपीआई स्कोर क्या क्या होता है, किस टाइप से इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑलरेडी वीडियो बनाया मेरे चैनल पे, मेरे फीडबैक दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मार्गदर्शन वीडियो सीरीज। नेक्स्ट तो लास्ट वाला जो 5वें नंबर का नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप 6 हरियाणा से वैकेंसी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालना है यहाँ पे एंड फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर के यहाँ पर वैकेंसी। एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट में जो है वैकेंसी यहाँ पर है। अच्छा इसेंशियल क्वालिफिकेशन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी और पीएचडी के बाद 6 सालों का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए या 9 ईयर का एक्सपीरियंस टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पीएचडी, ठीक है ये यहाँ पर दिया गया है। एंड अगर हम देखें यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है फर्स्ट क्लास एट यूजी एंड पीजी लेवल पे आपका होना चाहिए, ये यहाँ पे जो है मांगा गया है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें आवेदन ऑनलाइन करना है या ऑफिशियल वेबसाइट, अच्छा महत्वपूर्ण डेट की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर से जो है यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आवेदन आपके 18 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, क्लोजिंग डेट 13 दिसंबर रहेगी, काफी ज्यादा समय आपके पास हार्ड कॉपी 20 दिसंबर तक आपकी पहुंच जानी चाहिए, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आपको करना है उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। कहाँ पे रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप 6 पिन कोड रहेगा एंड यहाँ पर जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ऑफिशियल जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे आपको भेजना है, राइट। तो चलिए आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यार वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, ठीक है, इससे हमारा भी तो है मनोबल बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड केयर।